जो बार बार दिल्ली देश की राजधानी है और देश के अलग अलग भाषाओं के लोग यहाँ रहते हैं, अलग अलग संख्या में रहते हैं, लेकिन देश की राजधानी होने के नाते, और ऐसे भी कोई भी सरकार, मैं तो कहूँगा देश की हर सरकार को देश की तमाम भाषाओं को समृद्ध करने के लिए और अपने अपने राज्य में उस पर रिसर्च, उस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, उस पर काम करने के लिए इस तरह का काम करना चाहिए। तो काफ़ी दिन से हम लोग इसमें प्रयासरत थे, आज कैबिनेट ने उसको अप्रूवल दिया है। भारतीय भाषाओं सहित कुल 15 नई अकेडमीज बनाने का निर्णय कैबिनेट ने लिया है, जिसमें मैं पढ़ के बता देता हूँ। इसमें भारतीय भाषाओं में मलयालम, मराठी मलयालम, गुजराती, बंगाली, पाली, ये कुमायुनी, मारवाड़ी, कुमायुनी, गढ़वाली एंड जौनसारी एक साथ है, मारवाड़ी, कश्मीरी एकेडमी, एसएमईज एकेडमी, हरियाणवी एकेडमी, ओडिया एकेडमी, कन्नड़ एकेडमी, मलयालम एकेडमी, तेलुगु एकेडमी, तमिल एकेडमी, ये सब भारतीय भाषाओं की होगी। इसके साथ साथ प्राकृत और पाली भाषा की एकेडमी का बनाने का भी निर्णय लिया गया है। और साथ साथ क्योंकि अब दिल्ली में मैं देख रहा हूँ युवाओं में अंग्रेजी या और अन्य विदेशी भाषाओं में भी कल्चर का, आर्ट एंड कल्चर का, लिटरेचर का क्रेज बढ़ रहा है, खासतौर से अंग्रेजी के प्रति भी बढ़ रहा है, तो उसको, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए एक एकेडमी, फॉरेन लैंग्वेज एकेडमी, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस की एकेडमी भी सरकार ने पास की है आज। तो ये दो सूची